अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ इस ईद उल अज़हा पर कुछ मज़े मज़े के खाने। तो चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेसिपी बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटन यखनी पुलाव बनाना। मटन यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 किलो, 4 से 5 जवे लहसुन, 1 अदद रफली चौकी हुई प्याज, 2 अदद तेज पत्ता, लौंग ली 4 से 5 अदद, 1 बादियान फूल लिया है, 1 टीस्पून लिए साबुत काली मिर्च, दालचीनी लिए 3 से 4 स्टिक, 3 बड़ी इलायची लिए और 6 से 7 छोटी इलायची लिए, ये डाल देंगे। इसमें सौंफ लिए मैंने 1 टीस्पून, काला सफ़ेद जीरा लिए सफ़ेद जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, सफ़ेद काला जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, और साबुत ड्राई धनिया जो होता है वो मैंने लिया है 1 टीस्पून, ये सब डाल देंगे इसमें। नमक 1 टीस्पून, 5 गिलास पानी लिया है मैंने, मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। कवर कर देंगे, प्रेशर कुकर में गलने तक पकाएंगे 25 मिनट तक। तो यहाँ पर ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है, इसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए आप कितने अच्छे से गोश्त गल चुका है। अब सारा मटन मैं एक बाउल में निकालूंगी। ये देखिए मटन मैंने सारा निकाल लिया इसमें से, और यखनी को छान कर इसे भी अलग कर दूंगी। और ये देखिए यखनी भी मैंने छान ली है। तो यहाँ पर देखिए अब अलग से पैन में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ऑयल लिया है मैंने 1.5 कप, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें 3 अदद प्याज लिए, ये डाल देंगे। प्याज को सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, इसमें 1/2 प्याज निकालूंगी। इसे मैं गार्निशिंग के लिए रख दूंगी ऊपर से। यहाँ इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, 1 मिनट कवर करके पकाऊंगी। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून। हरी मिर्च की थी छोटी वाली 10 अदद, और इसको इस तरह से चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। चार अदद टमाटर की प्योरी बना ली थी तो ये डाल देंगे। टू टेबल स्पून नमक डाल दूंगी, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, मिक्स कर लेंगे। कवर करके 3 से 4 मिनट पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हमारे पास जो मटन पड़ा हुआ था ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया लिया था, थोड़ा सा पुदीना लेकर वो मैंने फाइन चॉप कर लिया था, तो ये डाल देंगे इसमें। दो लेमन का जूस डाल दूंगी,
एक प्याली दही डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे और मजीद 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर आलू लिए हैं मैंने 4 अदद और ये इसमें डाल दूंगी। आलू आपके लिए ऑप्शन है अगर आप डालना चाहें। डेढ़ किलो यहाँ पर मैंने मटन लिया था और चावल लिए हैं मैंने 1 किलो के करीब, तो यखनी होगी हमारी 4 गिलास। ये 4 गिलास यखनी इसमें डाल दूंगी मैं। कवर कर दूंगी और पानी में जोश आने तक पकने दूंगी। तो ये देखिए पानी में जोश आ चुका है, इसमें मैं चावल डाल दूंगी। चावल मैंने 1 kg लिए थे और 1 घंटे पहले धोकर वॉश करके भिगो दिए थे। मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे और यखनी ड्राई होने तक पकाएंगे। तो ये देखें चावलों में पानी जज्ब हो चुका है। इसमें ऑनियन डाल दूंगी, 4 से 5 अदद हरी मिर्च डाल दूंगी और कवर करके इसे लो फ्लेम पर पकाऊंगी 20 मिनट तक। चावलों को दम देने तक पकाऊंगी 20 मिनट। तो ये देखें यखनी पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मटन यखनी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो इस ईद पर ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं बना रही हूँ दम का कीमा क्योंकि आ रही है ईद उल अज़हा और ईद उल अज़हा पर हम बनाते हैं मज़े मज़े के पकवान। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दम कीमे की रेसिपी। तो इस दम कीमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर भुने हुए चने 2 टेबल स्पून, खसखस 1.5 टेबल स्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, ड्राई अनारदाना 1 टेबल स्पून। ये आपके लिए ऑप्शन है अगर आप डालना चाहें क्योंकि अनारदाने से दम कीमे का जायका जो है वो बहुत मज़े का हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास हैं तो आप डाल दीजिए वरना आप इसे स्किप कर लें। अब इन सबका मैं पाउडर बना लूँगी। ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है, इसे मैं निकाल लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इसका कितनी अच्छी तरह से फाइन सा पाउडर सा बन चुका है। तो कीमा हमने मैरिनेट करना है जो कि मैंने लिया है बीफ का कीमा 1/2 kg। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, मैंने बीफ का लिया है। तो और इसको मैंने बिल्कुल फाइन सा करवा लिया है, देखिए चॉप बिल्कुल फाइन सा चॉप करवाया हुआ है, मोटा मोटा नहीं रखना क्योंकि जितना कीमा फाइन चॉप होता है उतना ही मज़े का बनता है। तो 1/2 kg मैंने लिया है बीफ का कीमा, 2 टेबल स्पून में डाल दूंगी इसमें भरकर अदरक लहसुन पेस्ट। 1 प्याली भरकर मैंने दही लिया है तकरीबन 100 ग्राम और जो हमने खसखस भुने हुए चने और अनारदाने का जो पाउडर तैयार किया था ये इसमें डाल देंगे। कुटा हुआ धनिया ले लूँगी 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डाल दूँगी गोश्त गलाने का पाउडर कचरी पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी हसबे जायका, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, हल्दी पाउडर डाल दूंगी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर डाल दूंगी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो यहाँ पर देखिए ये 2 अदद मैंने प्याज ली थी और इसे मैंने फ्राई कर लिया था और इसका इस तरह से चॉप करके पाउडर सा बना लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। कीमे को मैंने मैरिनेट कर लिया है, कवर कर देंगे और इसे 1 घंटे के लिए मैं रख दूंगी रेस्ट देने को। इसके बाद हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। इसे मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है, एक मरतबा फिर मिक्स कर लेंगे इसे।
अब इसमें पकाना शुरू करूँगी। दम कीमा बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें एक प्याली ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को गर्म होने दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं मैरिनेट कीमा डाल दूँगी। इसमें 10 मिनट भूनूँगी मीडियम लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर ये देखिए कीमे को मैंने 10 मिनट भूना है मीडियम लो फ्लेम पर और ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे 25 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर ताकि दम का कीमा हमारा अच्छे से पक जाए। तो देखिए कीमे को पकते ही यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं और ऑयल देखिए इसका सेपरेट हो चुका है। इसे मैं मिक्स कर लूँगी एक मरतबा और ये बहुत अच्छे से भून भी चुका है, पककर भी तैयार हो चुका है। तो दम का कीमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी 2 अदद हरी मिर्च और इसको सेंटर में से काट के इसके मैंने 4 पीस कर लिए हैं, ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे, कवर कर दूंगी और 10 मिनट पकाऊंगी लो फ्लेम पर ताकि मिर्चों की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए कीमे के अंदर। तो इसे देखिए 10 मिनट पकाया लो फ्लेम पर मैंने, ये बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दूंगी इसकी मैं। अब इस पर मैं लेमन जूस डाल दूंगी ऊपर से, थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश कर दूंगी। अब इसको स्मोक देना है तो मैं स्मोक दूंगी इसको। स्मोक देने के लिए एक प्याली रख दूंगी, इसमें कोयला रख दूंगी और थोड़ा सा डाल के कवर कर देंगे और इसे स्मोक दे देंगे हम 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए दम कीमे को दम देते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी। दम कीमा आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब इसमें गार्निश कर दूंगी तो हरी मिर्च डाल देंगे ऊपर से 2-4, धनिया पत्ता गार्निश कर दूंगी। बहुत ही मज़े का हमारा दम का कीमा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कच्चे कीमे के कबाब बनाना। यहाँ पर ये देखिए मैंने 1/2 kg कीमा लिया है बीफ का और इसे फाइन चॉप कर लेंगे, कवर कर देंगे। तो ये देखिए फाइन चॉप हो चुका है, इसे मैं एक बर्तन में निकालूंगी। ये देखिए इसे खुले बाउल में निकाली और ये देखिए कितना फाइन हो चुका है। इसमें मैं 1 अदद अंडा डाल दूंगी। 1/2 kg मैंने बीफ कीमा लिया है और उसमें 1 अदद अंडा डाला है मैंने। कीमे को फाइन चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर प्याज लिए मैंने 1 अदद प्याज को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके ये देखिए इसका पानी जूस में निकाल कर बिल्कुल ड्राई कर दिया है, ये डाल देंगे। 1 tablespoon अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता डाल देंगे, 1 अदद हरी मिर्च भी और इसे भी फाइन चॉप कर लिया ये भी डाल देंगे। नमक 1 teaspoon, कुटी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon, कुटा हुआ धनिया 2 tablespoon, 1 tablespoon अनारदाना लिया है, ड्राई अनारदाना आता है वो लिया है, उसे मैंने कूट लिया है, बारीक कूट लिया है, ये भी डाल देंगे। 1/2 teaspoon फूड कलर ऑप्शन है अगर आप डालना चाहें। 3 tablespoon मैंने बेसन लिया है और इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये भी डाल देंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे इसके। तो पहले हाथ पानी वाले कर लेंगे इस तरह से उठा के। कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे।
पैन में मैं ऑयल डाल दूंगी और मिर्च कबाब डाल देंगे। इसे अपने पलट दूंगी। अब इसे मैं निकाल लूंगी। ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह सारे कबाब हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कच्चे कीमे के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में।